हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका की रसोई में आज हम बनाएंगे चना दाल पुलाव रेसिपी यह एक क्विक एंड इजी रेसिपी है जिसे चने की दाल चावल और हल्के मसालों के साथ बनाया जाता है अगर आप भी कुछ हल्का खाना चाहते हैं तो यह एकदम परफेक्ट रेसिपी है इसके लिए हमें चाहिए दो कप चावल एक कप चना दाल भीगी हुई एक बड़ा प्याज कटा हुआ दो मीडियम टमाटर की प्यूरी कटा हुआ हरा धनिया अदरक लहसुन का पेस्ट दो कटी हुई हरी मिर्च एक टेबल स्पून धनिया पाउडर एक टी स्पून हल्दी पाउडर एक टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक टी स्पून जीरा एक तेज पत्ता और दो मोटी इलायची तो चलिए शुरू करते हैं बनाना चना दाल पुलाव की रेसिपी सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में चार बड़े चम्मच तेल डालकर गरम करें अब हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें सभी साबुत मसाले डाल देंगे अब हमारा जीरा अच्छे से चटक गया है अब हम इसमें डालेंगे प्याज प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट इसे भी थोड़ी देर तक भून लेंगे इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें हमारे मसाले भुन गए हैं तो अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा पानी डालकर मसालों को चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे भीगी हुई भी चना दाल और फिर चावल चावल को मैंने साफ पानी से धो लिया था अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें और दो गिलास पानी डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर दें दो सीटी आने के बाद गैस बंद कर दें और प्रेशर निकालने का इंतजार करें अब हम प्रेशर कुकर खोलकर देखते हैं हमारा चना दाल पुलाव बनकर तैयार है अब इसे सर्विंग बाउल में निकालकर सर्व करें ऐसी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के लिए जुड़े रहिए प्रियंका के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर